सभी का स्वागत है मधु चौधरी ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग कंटिन्यू शुरू करने जा रहे हैं हम। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो क्या बोलते हैं, आज जो हम अपना रूटीन मॉर्निंग में जो बनाएंगे खाना पीना वो सब आप लोगों को दिखाएंगे। तो कुछ स्पेशल ही बनाएंगे, तो आप लोग प्लीज वीडियो पे बने रहेगा और बिल्कुल स्किप मत, स्किप करेंगे तो समझ नहीं आएगा कि हम क्या बनाएं क्या खाएं। तो प्लीज वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, आप लोग आधा देखते हो, ठीक है दोस्तों। यही जो बना है रायता दोस्तों, आप लोग तो वीडियो में देख। शुरू कर दी थी ना अपना, यही क्या बोलते उसको, दही का क्या बोलते उसको, रायता बनाना, बूंदी रायता। तो इसके लिए मैं दही ले ली हूँ, थोड़ा सा जितना दही रहेगा उसे थोड़ा सा पानी मतलब इसमें डाल देना है। उसके बाद बूंदी को थोड़ा सा पानी में ना फूलने के लिए छोड़ देना, ताकि वो ना थोड़ा फूल के अच्छा हो जाए, उसके बाद फ्लफी टाइप का हो जाए मतलब। उसके बाद करेला का हम भुजिया भी बनाने वाले थे उसके साथ, और उसके बाद रोटी भी बनाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो पे बने रहे देखिए। तो यहाँ मैं करेला को कट कर ली हूँ गोल गोल पीस करके, उसका बीजा निकाल देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बीजा नहीं खाते मेरे हस्बैंड जी, और हम भी नहीं खाते बीजा, इसलिए हम क्या किए निकाल के तब हम इसका भुजिया बनाएंगे। यहाँ पे हैंड वॉश कर लिया अपना, उसके बाद मेरा क्या है हाथ धो के हम खाना कुछ भी बनाते हैं, मेरे को आदत है बनाने का, साफ सफाई से हम बनाते हैं हमेशा खाना पीना अपना। उसके बाद फिर यहाँ देखिए हम मिर्च काट के इसमें डाल दिए थे, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ हमारे यहाँ की मौसम। सूर्य भगवान उग चुके हैं सुबह मॉर्निंग का टाइम में, तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा सुहावना मौसम हो और ठंडी ठंडी, अभी तो ठंडे के दिन भी आ रही है, तो फिर ऐसा मौसम में अच्छा लगेगा, अच्छा अच्छा खाना बनाने में भी मज़ा आएगा। तो यहाँ मैं अपने देख रही थी मैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, फिर उसके बाद क्या सोच रहा, चलिए वीडियो बनाइए मेरा जाए, मैं तो खुद से बना लूँगी। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, रायता का दोनों काम तो हो गया था, उसके बाद इसमें जो कुछ मिक्स करना था ऐड करना था तो सब आप करना शुरू कर रहे हैं। तो उसको मिक्स करके उसके बाद इससे पहले बूंदी डाल देंगे दही में, आप देखते रहिए ना आपको समझ में आएगी दोस्तों, वीडियो देखते रहिए, वीडियो पे बने रहिए आपको समझ में आएगी। और आप लोग भी बनाइएगा ज़रूर, इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनी थी। तो आप लोग प्लीज़ देखिए हमारी वीडियो पर, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे आप लोग भी बनाते होंगे लेकिन मेरा तरीका से भी बनाइएगा एक बार, बूंदी रायता, इसको बोलते हैं बूंदी का रायता। इसका बहुत तरह का रायता बनती है, लौकी का रायता, खीरा रायता, बहुत सारे रायता बनती है। और यहाँ मैं धनिया पत्ता कट कर रही हूँ, मिर्च डाल दी हूँ, और धनिया पत्ता को कट करके बारीकी कट करके इसमें डाल देंगे, और उसके बाद क्या क्या ऐड करेंगे तो आप लोग वीडियो पर बने रहे तो आप लोग को पता चलेगा दोस्तों। और मैं खाना बनाती हूँ ना तो ऐसे हाथ धोते रहते, तो अपना कपड़ा में ही पोंछ लेती हूँ हाथ को ऐसा नहीं कभी कभी बस। उसके बाद देखिए सब अच्छा से बारीकी काट रही हूँ धनिया पत्ती को। उसके बाद देखिए अब क्या क्या ऐड करें, इसमें नमक ऐड करना है और जीरा पाउडर, सब पैकेट आप ले लीजिएगा, 5-5 के रूप में मिल जाएगा, सब ले लीजिएगा। देखिए अभी हो गया जीरा पाउडर, ये लाल मिर्च का पाउडर, उसके बाद देखिए जीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर, और ये सब डालिएगा, यह चाट मसाला और उसके बाद जीरा पाउडर डाल देंगे। फिर बस यही, अब काला सॉल्ट अगर आपके पास होगा काला नमक तो आप वो भी डाल सकते हो, मेरे पास नहीं अवेलेबल था तो हमने क्यूमिन सीड है मतलब वो जीरा पाउडर, तो हमने अपना व्हाइट वाला नमक ही डाले थे, लेकिन बहुत ज़्यादा यम्मी बना था, काला नमक से भी टेस्ट आता है बहुत ज़्यादा, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा दोस्तों। तो इसको फिर मिक्स करके फिर ये रेसिपी हमारा बूंदी रायता की रेसिपी हमारा मस्त तैयार हो गई है। तो अभी आप लोग आगे वीडियो में बने रहिए। नमक अपना स्वाद के अनुसार उसे मिक्स कर देना,
और इसके बाद मैं अपना करेला में प्याज को डालने के लिए मतलब कट कर रही थी करेला की, जो मैं भुजिया बना रही ना उसमें प्याज मिर्च और ऑयल डाल के करेला को फ्राई कर लेना अच्छी तरह से। तो आप लोग वीडियो के बड़े से आपको पता चलेगा मैं कैसे करेला को फ्राई करके खाती हूँ। बहुत बनती है ना करेला फ्राई मतलब भुजिया उसको बोलते हैं। तो मैं इधर बना रही थी भुजिया अपना, मॉर्निंग के रूटीन में मैं यही शेयर करें दोस्तों, झाड़ू पोछा नहाना कपड़ा वाश ये सब तो नहीं दिखा पाते हैं जो है वो ही खाना पीना तो दिखाएं इसमें ब्लॉग में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारे शेयर कीजिए ताकि हमारे वीडियो भी अच्छा लगे सबको, दोस्तों लोग को भी सब लोग देखेंगे। हमारा करेला का भुजिया फ्राई हो रहा है, इधर हमारा हो गया है और उसके बाद हम इधर आके यही जो बना रहा है दोस्तों। आप लोग तो वीडियो में देखे ही होंगे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी एडिट भी करेंगे वीडियो को तो आप लोग देखने मिलेगा वीडियो बहुत अच्छा बना है, कैसा लग रहा है देखे दोस्तों। अगर आप लोग खाना तो मेरे घर आइए रायता खिलाएंगे, क्या स्वाद है, मेरे बेटा को देखे खिलाएंगे लोग बोलेंगे कैसा है टेस्टी है लोग कैसा है दोस्तों बहुत टेस्टी है, आप लोग भी बनाइए। देखिए हम इसका बताते रेसिपी, दही लीजिएगा और बूंदी लीजिएगा, उसके बाद दही थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा और बूंदी उसमें फुला दीजिएगा, उसके बूंदी मिलता है दुकान में आप बोले इजिली मिल जाएगा आपको। उसका चाट मसाला जीरा पाउडर लाल मिर्च का पाउडर धनिया पत्ता मिर्ची ऐड कर दीजिएगा सारा कुछ और बहुत टेस्टी टेस्टी बना खाए। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना रोटी का तैयारी करने। देखिए हमारी भुजिया रायता अब रोटी का तैयारी करेंगे, तो उसके लिए हम आटा गूंद लेंगे, उसके बाद फिर मैं रोटी तैयार करती हूँ तो आप लोग देख करेंगे। मैं आटा लेंगी डब्बा से, और कौन कौन करेला का भुजिया नहीं खाते कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कौन कौन खाते वो भी बता दो। आटा ले ली हूँ अपना परिवार के अनुसार, उसके बाद पानी डाल के उसको गूंद के लेंगे और उसके बाद फिर मैं इधर ढक के रख देती हूँ। फिर इधर मैं भुजिया अपना भुजिया को मैं बहुत देर तक भूनती थी जिससे मैं फ्राई करती हूँ, बहुत ज़्यादा फ्राई करती हूँ ताकि मुझे सूखा फ्राई वाला भुजिया अच्छा लगता है खाने में। करेला अगर नहीं फ्राई किया जाए ना तो टेस्ट फिर ख़राब हो जाता है, फिर तापन आ जाता है जाने पर। मैं उस कर रही थी उसके बाद मैं ऐसे मेरा भुजिया पूरा देखिए पूरा कुरकुरी और करंची भुजिया तैयार हो गई है, हमारी रोटी भी इधर बन के तैयार हो गई आधा, और मैं रोटी अभी और भी सेकना है तो जितना बाकी दो चार रोटी बाकी था तो वो सब भी सेक लेंगे। वीडियो पे बने रही दोस्तों, वीडियो को बस प्यार दीजिएगा दोस्तों। मैं खुद से वीडियो बनाते बनाते रोटी बेल रही, बताइए दोस्तों कैसे बेलाएगा रोटी, हंसी भी आ रही ना आप लोगों को। फिर मैं यहाँ कैमरा लगा के फिर से अपना मतलब ऐसे शूट करने लगती हूँ, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मैं काम करती रहती हूँ, मेरा किचन में कुछ ना कुछ काम रहता है नहीं टाइम, सलाद उलाद तो सलाद तो नहीं आज बनाए थे बना रहे थे हम लोग रहे। मैं देख नहीं रही थी कि हमारा कैमरा चालू के बन रोटी हमारा फुली फुली बन रही थी, वही हम आप लोग को दिखा रहे थे दोस्तों। अरे हमारा किचन कैसा लग रहा है दोस्तों आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड, प्लीज़ ऐसा करके हमारा ब्लॉग भी देखा कीजिए डेली। आप लोग मैं डेली अब वीडियो लाऊंगी ब्लॉग लाऊंगी तो आप लोग बस ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिए, हम डेली वीडियो बनाएंगे ठीक है दोस्तों। मुझे और भी अभी रोटी बेलनी थी, एक बाकी थी एक तो हाँ एक तो बाकी थी।
इसके बाद हमारा रोटी बन बन के तैयार हो रही है। कितनी सारी रोटी मैंने बनाया दोस्तों, और तेरी तेरी बनती ना दोस्तों, गोल गोली बनती है, कोई कोई रोटी तेरी तेरी भी बन जाती, धीरे धीरे सीख जाएंगे दोस्तों। रोटी नहीं फूलने, कोई कोई ना नहीं फूलती दोस्तों, रोटी क्या करेंगे। अभी तो मुझे और भी खाना बनाना पड़ेगा दोपहर में फिर से। यहाँ मैं फ्रिज से फिर रायता निकाल रही, थोड़ा सा फ्रिज में रख दी थी ठंडा, ऐसे बस अच्छा लगता है फ्रिज में रखने से ना, बहुत ठंडा ठंडा। उसके बाद उधर सर्दी भी हो गया दोस्तों मुझे, अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही तो मेरे को सर्दी हो गया। रोटी और ये सब मैंने खाना आप लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए निकाल ले रही हूँ, अपना बेटी और अपने हस्बैंड जी के लिए। हम लोग जो बनाते हैं वही दिखाते हैं दोस्तों रियलिटी में, खाना जो बनाते हैं बस। और मैं रायता निकाल दी हूँ सबके लिए। आज 5 ही बजे दोस्तों हम उठे थे, इसलिए मुझे नींद भी आ रही है। और यहाँ करेला की भुजिया निकल रही है, उसके बाद रोटी भुजिया टेस्टी टेस्टी, जिसको जिसको खाना है तो दोस्तों आ जाइएगा हमारे घर पे, आप लोग भी, आप लोग को भी खिलाएंगे। और हमारे खाना कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा कर देंगे, एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो बहुत लोग, 2000 लोग भी देख लेंगे मान के चलिए, लाइक 2-4 आता है। हम लोग तो बाद में खाएंगे, आप लोग मेरे फ्रेंड है तो प्लीज आप लोग लीजिए खाएंगे, दिखा दीजिए दोस्तों लोगों को। ये देखिए करेला का भुजिया, रायता, रोटी, रोटी करेला का भुजिया ना जी। हाँ जी, चलिए ठीक है, अब हम लोग खाएंगे। चलिए खाना सब शुरू कर दिए हैं मेरे हस्बैंड जी, और अभी खा के बताएंगे आप लोग को भी खिला। और मेरी बेटी बता रही है, सब लोग बोल रहे कि अच्छी मम्मा खाना बनाती ना बेटा। आदित्य है, उसके पापा है और आद्या है। चलिए दोस्तों, और आप लोग के लिए तो हम खिलाएंगे आप लोगों को दोस्तों, लोग लीजिए दोस्तों, आप लोग भी पहले खा लीजिए फिर तो हम खाएंगे, आप लोगों के बाद हम खाते हैं। ये भी बाबू खाते हैं पापा। वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अगर नए हो तो मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जाके मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ तो इस ब्लॉग को एंड करते, थोड़ी लंबी वीडियो बन गई, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को प्यार दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा ना, दोस्तों को बोल दो प्रणाम।